लिया है गल का, इसको इस तरह से हमने कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। आज हम इसका सब्जी बनाएंगे। गल का सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप किसी वक्त आप इसका सब्जी बनाइए, आपको अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए इस तरह डाल देते हैं तेल इसमें हम कढ़ाई में, 2 से 3 चम्मच। देखिए तेल गरम हो गया, इसमें डाल देते हैं जीरा, जीरा को तड़कने देते हैं। देखिए हमारा जीरा हो गया, हम लहसुन मिर्चा को डाल देते हैं इस तरह से, हमने कूट लिया था। कूट के डालने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। देखिए हो गया हमारा, इसमें डाल देते हैं नेनुआ, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, डाल के 1 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेंगे। देखिए अच्छे से भून गए हैं, इसमें हम आलू डाल देते हैं। देखिए हम आलू को इस तरह से कट किए हैं, पतली पतली लंबी लंबी साइज में। देखिए इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें हम नमक और मसाला डाल देंगे, बेसिक मसाला डालेंगे, ज़्यादा हमें मसाला इसमें यूज नहीं करना है, सिर्फ हल्दी या धनिया पाउडर और नमक। देखिए इस तरह से देखिए हो गया, अब नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार इसमें, ये देखिए इस तरह से। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और आंच को हमें धीमा रखना है, तेज आंच पे हमें नहीं बनाना है इसे। 2 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं मिक्स करने के बाद, 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। देखिए इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए। देखिए नेनुआ में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें खुद ही पानी छोड़ता है। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक बार और चला लेते हैं जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये पक भी गए हैं, बस थोड़ा सा और कसर रह गया, 1 मिनट के लिए और इसे हम ढक देते हैं। देखिए हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा से हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए जिसे सब्जी बनाने नहीं आता होगा नेनुआ का, वो आराम से सब्जी देख करके बना सकते हैं, आसानी से वो बन जाएगा उनसे भी। देखिए हमारी सब्जी हो गई है तैयार, आपको कैसी लगी हमारी सब्जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको पास से दिखा रहे कितनी अच्छी लग रही देखने में सब्जी, और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट ये बनी हुई है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, जिससे हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। और इसमें हम डाल देते हैं मैगी मसाले, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें ऊपर से डालेंगे इस तरह से, हमने पाउच लिया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं और ये हो गया हमारा तैयार सब्जी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू। देखिए हमने मसाला तैयार किया है, धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्ची और अदरक, इनको डाल के हमने देखिए इसे पीस लिया है इस तरह से। तो भी यहाँ पे ले लिया है, छाछ को डाल के बनाएंगे कढ़ी। तेल डाल देते हैं इस तरह से, तेल को गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल गर्म हो गया, हम डाल देते हैं इसमें सरसों। देखिए इसे चटकने देते हैं सरसों को, देखिए सरसों चटक गया। अब डाल देंगे हम कड़ी पत्ते इसमें, और इस पर डाल देंगे हम मिर्ची, हमने इस तरह से कट की हुई है। ये देखिए अब बारी आती है हमारे मसाले की, इससे भी हम डाल देते हैं सभी को इसमें, देखिए इस तरह से। और कटोरी को भी धो के थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पर रखेंगे। देखिए कितना अच्छा लगा देखने में मसाला, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। किसी आप वक्त आप जरूर बनाइएगा। देखिए हमारा मसाला हो गया है, इसमें हम डाल देंगे छाछ, ये देखिए इस तरह से। हमने अमूल का छाछ लिया है, आप कोई भी छाछ बना करके डाल सकते हैं घर का भी। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ये देखिए इस तरह। और बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा ये मसाला छाछ सेव वाला। देखिए अब इसे हमें एक उबाल आने देंगे, और हमें चलाते रहना है कंटिन्यू, रोकना नहीं, हमें इस तरह चलाते ही रहना है इसे जब तक उबाल ना आ जाए। देखिए कढ़ी में हमारी उबाल आ गई, इसमें स्वाद के हिसाब से हम नमक डाल देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे हल्दी 1 चुटकी जितना, ताकि अच्छे से कलर आ सके। और लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे इस तरह से, इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह
अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और 1 मिनट के लिए उबलने देंगे। उसके बाद हम इसमें सेव डालेंगे। देखिए हमारी कढ़ी अच्छे से पक गई है। इसमें हम डाल देंगे शक्कर आधा चम्मच जितना और सेव डाल देंगे इस वक्त। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने चटपटा वाला सेव लिया है। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो सेव आप उसे डालिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी हमारी सेव की कढ़ी हो जाएगी तैयार। ये देखिए कितना अच्छा लगा देखने में भी, यह खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट रहता है। देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। 1 मिनट के लिए सिर्फ हमें इसे पकाना है, ज्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है इसे। देखिए हमारा हो गया कढ़ी तैयार। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती इस तरह से और गैस बंद कर देंगे। हमारा कढ़ी हो गया तैयार सेव कढ़ी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा देखने में और खाने में भी उतना ही लाजवाब ही बना हुआ है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और जो चैनल पे नए होंगे वो बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर रेसिपी आप तक जल्दी पहुंचेगी।